पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाई करा रहे हैं। आप सभी लोग जब इस विषय में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में जाते हैं, तो उसमें नेचुरली कई तरीके के टूल्स आपसे आपकी टकराहट होती है। टाइम के साथ चीजें चेंज हुई, हम नेक्स्ट फॉर्म में जा रहे हैं। जैसे मैं कल आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बताया, उसके रिलेवेंस को बताया, उसके कंटेंट को बताया, उसके एक्सटेंशन को बताया, ये तमाम सरकारी प्रशासन, प्राइवेट प्रशासन, निजी प्रशासन, ये तमाम चीजें जो है आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया। आज जो विषय है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम प्रशासन की बात करते हैं तो कहते हैं कि जैसे माना पूरे देश में एक प्रशासन है। अब देश में तो नागरिक बहुत है, 136 करोड़ के लोग हैं। लेकिन आपको मैं यहां एक एग्जांपल ताजा ताजा दे दूं कि जब से ये कोरोना वायरस हमारे देश में एंट्री किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं उसका पूरा उपयोग है। इसीलिए सिविल सर्विसेज के पीसीएस की परीक्षा में जब गवर्नेंस आप लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन जाके उठा के देखिएगा, आप किसी भी साल का देखिए, 14 का देखिए, 15 का देखिए, 16 का देखिए, 19 का देखिए, आपको देखेंगे रिलेवेंसी क्वेश्चन ही मिलते हैं। ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल नहीं है इसे। आज मैं एक फोकस एस्पेक्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की करने जा रहा हूं। देखे होंगे जब आपने गवर्नेंस पढ़ा, और गवर्नेंस के भीतर दो भाग में एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बताया। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को आप बाजार कह सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टेट कह सकते हैं। अगर सरकारी प्रशासन सरकार है तो निजी प्रशासन बाजार है। आपको बताना चाहेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। असल में थोड़ी सी दो मिनट इसकी दास्तां बतानी ही पड़ेगी। 1887 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में, उसमें एक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान, अध्यापन के दौरान ये महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑटोनॉमस सिस्टम, एक मतलब अलग विषय है राजनीति विज्ञान से। क्योंकि आज भी आप डिपार्टमेंट अगर खोजने जाएंगे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट कम मिलते हैं, सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने इसको 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक मैगजीन में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख प्रकाशित हुआ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहां से एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल, जब हम कहते हैं ना कि मंत्रिपरिषद क्या है, एक राजनीतिक जो है इंस्टीट्यूशंस, लेकिन प्रशासन कौन है, आईएएस पीसीएस कौन है, वो पॉलिटिकल अभिकरण नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन ये किसके अंतर्गत निहित होते हैं, अब तक आपको क्या बताया, सब सरकार के, और सरकार तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है हमारी, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन निकला। जैसे मैंने बताया कि पीसीएस की उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकली है 200 के आसपास है, वो आप ब्रीफ पढ़ लीजिएगा वहां। तो वैकेंसी कौन निकालेगा, अध्याचन कौन भेजेगा लोक सेवा आयोग, अध्याचन भेजता है कार्मिक विभाग, और कार्मिक विभाग किसके अधीन है, मुख्यमंत्री जी के, और कार्मिक विभाग जब यूपीएससी भेजता किसके अधीन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस तरह का पद है, एक पॉलिटिकल पोस्ट है, चुनाव से आते हैं, लोकसभा में जाते हैं, बहुमत सिद्ध कर दीजिए, जो बहुमत दल का नेता वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपने अपने अपना मिनिस्टर बनाते हैं, वो भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल बनती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन जब वही कैबिनेट सचिवालय में सचिव होते हैं, केंद्रीय सचिवालय में सचिव होते हैं, जो पॉलिसी मेकर है, जो एग्जीक्यूटर है, जो सरकार की सहायता करते हैं, यानी सरकार की पॉलिसी को जो आगे बढ़ाते हैं जनता के लिए,
वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग। तो वहां से जो प्रशासन चला बाद में वही वुडरो विल्सन, उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, आपको बता दें वुडरो विल्सन को जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। बाद में वो 1912 से 1920 तक दो कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे वुडरो विल्सन साहब। तो छोड़ देते हैं उस बात को, उस पर क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे पांच सिक्वेंस में प्रशासन के टाइम आए। पहला टाइम उसका 1926 में खत्म हुआ। पहला टाइम 1926 में क्या खत्म हुआ कि राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल माना गया। प्रशासन को अलग अस्तित्व है, राजनीति से निकलने में 1887 के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वुडरो विल्सन के उस आर्टिकल से जो कहानी शुरू हुई वो जाकर 1926 में एलडी व्हाइट की एक किताब आती है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक आने तक के बीच में 39 वर्ष लगे और प्रशासन को राजनीति से अलग होने में 39 साल लगे, यानी 26 में उसका एग्जिस्टेंस बाहर आया, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। उसके बाद प्रशासन का एक और कड़ी आएगा 10 साल का करीब, जिसमें बहुत सारे विचारक आएंगे, एल्टन मेयो से लेकर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिखने वाले बर्नार्ड तक, जिन्होंने ये प्रूफ करना था कि पॉलिटिकल साइंस, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या साइंस है या एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है। आपको झगड़े में नहीं फंसना है, मैं एक इंट्रो दे रहा हूं। तो इससे ये 10 सालों में ये झगड़ा रहा कि प्रशासन कला है कि प्रशासन विज्ञान। देखिए कोई भी विषय मानविकी भी विज्ञान है, क्योंकि ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस भी विषय में क्रमबद्धता डाल देंगे वो विज्ञान हो जाए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ठ ढ ळ त थ ध न प फ व भ म, ये सब जो चीजें हैं ये सभी साइंटिफिक तरीके से पढ़ी गई। तो यहां भी साइंस है, कोई भी काम आप कहते ना साइंटिफिक अप्रोच, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह का साइंस जिसमें क्रमिकता हो वही साइंस है। एनीवेज अब आते हैं आगे के लिए। फिर 10 साल उसको चुनौती मिली कि ये साइंस नहीं है। पहले के लोगों ने कहा ये साइंस है, दूसरे आके बोले नहीं ये साइंस नहीं तो आर्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट। एक डीएम जो है उसी पद पे बड़ा नाम कमा के चला जाता है, एक बड़ा बदनाम होके चला जाता है। अगर साइंस है तो सब लोग वैसे ही काम करें ना। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन में अलग विधा हो जाती है। अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, उनको लोगों को लाया जाए तो यहां अगर इकोलॉजिकल उनको एडॉप्टेशन नहीं है तो भले ही कितना स्किलफुल हो फुल हो लेकिन यहां पर वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडियन सर अगर अमेरिका जाए एडमिनिस्ट्रेशन करने, अगर वहां की इकोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन इकोलॉजी, जबकि साइंस इकोलॉजी पर डिपेंड नहीं है। जैसे बॉल को दबाया जाए तो ऊपर ही जाती है, ये कहीं भी दबाइए ऊपर ही जाएगी। वैल्यूज फ्री होती है साइंस, उसमें मानव दिमाग मानव भावना का कोई लेना देना नहीं। जैसे आप अपने घर पे जब बटन दबाते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाती है, वही बटन बच्चा भी दबा दे तो ट्यूबलाइट जल जाती है। लेकिन कई चीजें ऐसे होते हैं कि आपके प्रति और बच्चे के प्रति की भावना भिन्न भिन्न होती है, जबकि यहां नहीं है क्योंकि यहां भावना शून्य है। एनीवेज चुनौती मिली। फिर उसके बाद एक क्राइसिस का पीरियड आया। क्राइसिस इट मींस कि कला है कि विज्ञान में एक कंट्रोवर्सी आ गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन 1960s आते आते, तब तक आपको बताएं कि एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हो चुके थे, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हो चुके थे। और जो वो मुक्त कंट्री थे एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका से जो मुक्त देश थे, उनको विकास की बड़ी चाहत थी, अपना पुनर्संरचना, अपना निर्धारण, अपना सरकार, अपनी स्वायत्तता, अपना विकास, अपना शिक्षा, अपना रोड, अपना वायान, अपना रेलगाड़ी, सब की चिंता थी, अपना सब कुछ इंडिपेंडेंट। 1960s आते आते
यह बात जैसे हमने कहा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पहले तो मैं एक लाइन बता दूं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, व्हाट इज अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये दो बातें हैं। ये कहता है संस्था का सुधार कीजिए, जो सरकार का अभिकरण है उसके सुधार का पक्ष होता है। जब 1950 के बाद, जैसे 26 जनवरी 1950 के भारत के परिप्रेक्ष्य में आइए, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हम आजाद देश में लोक कल्याण से निहित सरकारों का अधिरोपण हुआ उसके बाद। और लोक कल्याणकारी सरकारें में अगर प्रशासन दक्ष ना हो, कैपेबल ना हो, तो जनता का जो इंटरेस्ट है, जनता पब्लिक इंटरेस्ट में, वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि लोक कल्याण बांटना था, ऐसे में सरकार और सरकार का ढांचा यानी स्ट्रक्चर, कंटेंट और उसकी ब्यूरोक्रेसी का विस्तार हो गया। ओके, विस्तार किया गया। उस विस्तार में, अब विस्तार अगर आपने कर दिया और जनता तक जो पॉलिसीज है बेहतर से पहुंचे, इसमें सक्षम नौकरशाही की जरूरत थी, इफिशियंट नौकरशाही, लेकिन विस्तार के साथ ब्यूरोक्रेसी अदक्ष होती गई। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अदक्षता को दूर करने के लिए, प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए एक नए चरण का आगमन हुआ, एक नया स्टेप आया, उसी को कहा गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हमारे देश में जब भी रिफॉर्म आता है, गवर्नेंस अच्छा कैसे चलेगा, जब स्ट्रक्चर सही होगा। पहला काम क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूं, जब मेरे पास मार्कर होगा, डाइस होगी, बोर्ड होगा, लाइट होगी और बात कहने के लिए मेरे पास उपकरण होंगे, जैसे तकनीक। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसके बगैर तो कल्पना नहीं कर सकते। एक भी कोई चीज की कमी रहेगी तो हमारी अदक्षता कहीं ना कहीं दिखेगी। आप डाइस नहीं होने से जो प्रॉब्लम होगी वो पढ़ाई पर इफेक्ट डालेगी, बोर्ड नहीं होने से जो प्रॉब्लम होगी वो असर डालेगी पढ़ाई पे। तो दक्ष, ये स्ट्रक्चर कहां से आएगा, स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन कंट्री रिसोर्सेस, इट मींस की फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो देश अमीर है उनके स्ट्रक्चर मजबूत, उनके स्ट्रक्चर बड़े हैं, उनके पास हर चीज का, इसीलिए हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक जिला प्रशासक जिले की सरकार है, बट पानी मैनेज करने वाला, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने वाला, एजुकेशन मैनेज करने वाला, बिजली मैनेज करने वाला, उसी सरकार उसी जिला प्रशासन के अंदर अलग अलग पार्ट है। इसलिए मैनेजमेंट छोटी इकाई है, स्मॉल यूनिट है, और एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेट यूनिट है, विस्तार ले, उसमें कई मैनेजमेंट शामिल होते हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। तो ये क्या कह रहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। मैं आपको और बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एंड ग्रुप के लिए काम करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, सोसाइटी एंड ग्रुप। जैसे कहा जाए मजदूरों को खाना देना है, किसी ने कहा कि राम भरोसे को खाना देना है, कहा राम भरोसे को खाना देना, नहीं, मजदूरों को खाना देना। मजदूरों का मतलब मजदूरों का एक समूह, एक समाज। लॉकडाउन के इस टाइम में नाम लेकर के नहीं जा रहे हैं, लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जहां कमी है वहां मैनेजमेंट उस समूह का यूनिट, दूसरा स्टेप नीचे। इसीलिए प्रशासन क्या है, प्रशासन समूह है, सहयोग की भावना, बताया था कल। मैनेजमेंट क्या है, पर्टिकुलर जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में, प्रॉब्लम कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रॉब्लम कहां है, स्ट्रक्चर में, प्रॉब्लम कहां है, प्रोसेस में, प्रॉब्लम कहां है, बिहेवियर में। अगर किसी भी कंट्री के पास क्या है,
स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, बिहेवियर और प्रोसेस। जैसे हमने बोला कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको यहां से कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है इस स्ट्रक्चर की वजह से। थर्ड इज बिहेवियर दैट इज माय टीचिंग बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो आपको लाभ दे। अगर माना स्ट्रक्चर सही है, प्रोसेस सही नहीं है, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। माना स्ट्रक्चर और प्रोसेस सही है, बिहेवियर सही नहीं, तब भी थोड़ी अड़चने होंगी। तो जिस कंट्री में तीनों चीज हो, वो वहां का पब्लिक इंटरेस्ट ठीक से अच्छा सा सुधरेगा, अच्छे से चीजें पहुंचेंगी। अब देखिए, औपनिवेशिक सत्ता के टाइम में कॉलोनियल जब भारत था, वहां से लेकर के आजाद भारत में जो ब्यूरोक्रेसी आई, आपने देखे होंगे हमारे यहां पुलिस प्रशासन हो सामान्य प्रशासन, कितनी अकड़ थी, कितना एटीट्यूड था। जनता और प्रशासन दो समाज बन गए, जबकि प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि इसी समाज से आकर वो प्रशासन बने। मतलब हम थर्ड वर्ल्ड की दुनिया में, तीसरी दुनिया के देशों की यह शिकायत रही एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, कि जो सिविल सर्वेंट बने उनको लगा कि ये हम अभिजात वर्ग है, हम एलीट क्लास। जो गलती ब्रिटिशर्स ने किया, इंडियन को क्या बोला, यू इंडियन और अपने को एलीट क्लास, वही चीज यहां पर स्थानांतरित होके आ गई, क्या कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो एलीट हो गई और जो पब्लिक है वो फिर हो गई वो ऐसे ही। तो वो उन लोगों को ये समझाना, ये उनकी अदक्षता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही समाज के लोगों के ऊपर एलीट अपने को बना लेता है तो अदक्ष कहा जाएगा, अनकैपेबल कहा जाएगा, कैपेसिटी नहीं है ये कहा जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो मजदूर नंबर वन हूं, मैं तो चाय बेचता था, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक, चौकीदार, क्या क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम आप ही के समाज से आए हैं, भले ही प्रधानमंत्री हैं लेकिन हैं आप ही की तरह। इसका मतलब उनके एटीट्यूड में एलीट क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है भैया, जो जनरल क्लास आपका वही मेरा है, ये बताने का मतलब। ये चीज जो है कहीं ना कहीं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस करती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति एक एक आदमी की चिंता करेगा। जैसे ट्रंप को अमेरिका में देखते हैं ना, तो ट्रंप साहब का जो एटीट्यूड है उसको अगर आप देखें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एटीट्यूड को, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनका एटीट्यूड इस तरह का नहीं है। उनको लगता है वो होगा कि एज अ प्रेसिडेंट मेरी अपनी दुनिया में जो धमक है, वो कभी नहीं कहते कि हम इंडिया की तरह हैं, हम भी चाइना की तरह हैं, हम भी पाकिस्तान बंगला की तरह देश की तरह एक देश हैं, इसलिए आप राष्ट्रपति हम प्रधान हम सब बराबर, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी ने कहीं पर प्रतिबंध से, कहीं जलवायु सम्मेलन से हट रहे हैं, जलवायु जो परिवर्तन के लिए पेरिस जो समझौता उससे हट रहे हैं, कभी 1987 के रशिया के साथ जो समझौते वो सब तोड़ रहे हैं, ईरान को धमका रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं ऐसा चलता रहता है, कहीं हमारा पेट्रोल नहीं ले सकते ईरान से, क्रूड ऑयल वो रोक रहे हैं, कभी हम रशिया से S-400 ले रहे हैं तो उस पर भी आंख दिखा रहे हैं। मतलब ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका एटीट्यूड है वो दिखता है। तो ये एटीट्यूड हो सकता है अमेरिकन लोगों के फायदे में ना हो, लेकिन अन्य देश तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना, तो वो अपने को अभिजात मानते हैं। लेकिन हमारे देश में जो अभिजातपन है, अगर ब्यूरोक्रेसी में था तो धीरे धीरे वो समाप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहाँ से चला। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1960 के दशक से चला, यानी 60s की पीरियड से चला। वो दौर था जब एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस में था, जैसे मैंने बताया कि साइंस है या आर्ट है। और ये इसने जोर किस पे दिया कि सरकारी संस्थाओं को, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड रिफॉर्म किया जाए। और ये कहा गया कि सरकार अपनी भूमिका को कम करे। दो चीज पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। फर्स्ट इज कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो परफॉर्मेंस को अपना सुधारें,
क्योंकि जन कल्याण की भावना, जब जन कल्याण आप लाना चाहते हैं तो वैसे भी आपको सुधार चाहिए, लेकिन जब अदक्षता आ जाए, आपके अंदर एक कैपेसिटी का अभाव जाए, एक इंटेलेक्चुअलिटी का अभाव जाए, तो फिर आपको सुधारना पड़ेगा। और कहा गया कि सरकार अपनी भूमिका को कम करने पर बल दे, मेरी बात को यहां गौर करिएगा, सरकार अपनी भूमिका को कम करने पर अगर बल देगी तो बाजार पर, जो नागरिकों पर बाजार का कब्जा हो जाता है। जैसे बीएसएनएल में सरकार ने अपनी भूमिका कम की, या यूं कहा जाए कि दूसरे संचार की कंपनियों को मौका दे दिया, तो उसके नागरिकों पर सरकारी कंपनियों के अतिरिक्त बाजार का कब्जा हो गया, जैसे आपका जियो का कब्जा हो गया आप पर। तो सरकार जब भी अपनी भूमिका को कम करेगी, इसको बोलते हैं स्टेट मिनिमाइजेशन, एक प्रकार से मिनिमाइज कर लेता है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 12 में पढ़िए, लिखा है पूरा विस्तार से, राज्य को मिनिमाइज करना, अपने को राज्य मिनिमाइज, सरकार अपने को मिनिमाइज करे। तो अगर सरकार अपने को मिनिमाइज करेगी तो बाजार बढ़ जाएगा, और सरकार अपने को मैक्सिमाइज करेगी तो सरकार बाजार घट जाएगा। किसके ऊपर से? पब्लिक के ऊपर से। पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करना, फिर एक लाइन में बता दूं कि जितना भी कवायद है वो सब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, जनता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब जनता का हित सरकार के बढ़त से हासिल होगा, या सरकार मिनिमाइज कर ले और बाजार को आगे कर दे उससे होगा, ये सब सोचना एक अलग मुद्दा है। बट आफ्टर ऑल पब्लिक इंटरेस्ट इज अ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही एक मसौदा है, पब्लिक खुश तो सरकार खुश। अशोक महान कहते थे जनता के, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। अगर आज कोरोना वायरस से जनता बच जाती है तो सरकार बच जाती है, प्रशासन बच जाएगा, इस देश की अस्मिता, अस्तित्व, तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति बच जाएगी। नहीं तो ये पुनर्निर्धारण, एक संरचना, एक सृजन, जैसे मानव की सृष्टि का ही पुनर्संरचना हो रहा है। तो इसमें कहा गया सरकार के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण, रिफॉर्मेशन, सरकार का जो कार्य क्षेत्र है उसको रिफॉर्मेशन करने की बात कहता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। क्योंकि आप अगर फाइलें दबा दबा के रखे रहेंगे ना तो जनता हाहाकार मचाएगी, काम नहीं पहुंचेगा। तो इसका मिशन आस्पेक्ट क्या होता है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। आज आपने देखे उसी का परिणाम है कि एक छोटे से दुकान में बीएसएनएल का सिम मिलता है, नहीं बीएसएनएल का फोन लगाने के लिए आज से 20 साल पहले कितना फॉर्म भरिए, ये करिए लैंडलाइन के लिए। आज लैंडलाइन कोई लेता नहीं है ठीक से, और मोबाइल के लिए दुकान पे मिल रहा है, छोटी सी दुकान पे। ये क्या किया सरकार ने? अपने रिफॉर्मेशन किया और अपने को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया ना। और जब चेंज किया तो सरकार क्या किया, स्टेट ने क्या, यहां गवर्नमेंट का मतलब स्टेट समझिए, स्टेट ने क्या किया, अपने को मिनिमाइज किया, अपने को मिनिमाइज कर दिया। लेकिन मिनिमाइज करने के बाद क्या जनता को वो सारा चीज मिला, इस पर डिस्कशन एक अलग विषय पर करेंगे। अब आता है कि लोक प्रशासन में सुधार, यानी प्रशासन में सुधार। एक तो हो गया सरकार अपने को रिफॉर्मेशन करना, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड। हमारे अमेरिका में देखिएगा परफॉर्मेंस बजट होता है। परफॉर्मेंस बजट का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे घर में कोई बच्चा अगर पढ़ने लिखने में ठीक आज्ञाकारी है, बढ़िया रिजल्ट देता है, तो जो घूमता है, जो फालतू में इधर उधर करता है, उसके हिस्से का भी दूध उसको दे दो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस वाला है इन्वेस्ट उस पर करो। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने क्या किया, एजेंसीज को सुधार करने की बात, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात कही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने में क्या आया कि गवर्नमेंट अपने को रिफॉर्मेट करे। रिफॉर्मेट से क्या होगा, रिफॉर्मेशन से क्या होगा, कई चीजें वो मिनिमाइज कर। अब लॉ एंड ऑर्डर में मिनिमाइज करने की बात नहीं हुई, देखिएगा, गौर करिएगा, विदेश के मामले में बाजार का कोई लेना देना नहीं, विदेश के समझौते में। सेना के मामले में बाजार का कोई लेना देना नहीं,
भर्ती होती है यूपीएससी से, सीडीएस वगैरह की ट्रेनिंग देहरादून के आईएमए में होती है, और लेफ्टिनेंट बनकर के जाकर के वो लोग देश की सेवा देते हैं। यहाँ पर अंबानी टाटा या कोई और नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मिनिमाइज नहीं करना है, गवर्नमेंट को अमेरिका जाकर कोई संधि समझौता करना यहाँ मिनिमाइज नहीं करना, देश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके मिनिमाइज नहीं करना है। लेकिन मैं आपको यही दिखाता हूं कि कोरोना वायरस जब फैला फैला तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल हो रहा, इस्तेमाल प्रशासन कर रहे हैं, डंडे भी मार रहे हैं, आपको घर भी पहुंचा रहे हैं, आपको इलाज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसा बनता है देश के हित के लिए वो सब हो रहा है ना। लेकिन इसी में बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भोजन बांट रहे हैं, रहने का जगह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां पर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, सुरक्षा का एस्पेक्ट के लिए बाजार भी खुला हुआ है, हेल्थ के एस्पेक्ट के लिए बाजार भी खुला हुआ है। लेकिन हमारी सेना में जब भी युद्ध हुए हैं, कभी भी देख लीजिए, 65 का देखिए, 71 का देखिए, बाद में भी देखिए, जितने भी पाकिस्तान से युद्ध हुए हैं, चीन से भी हुए 62 में, उसमें सेना अगर घटी है ना तो कोई आम पब्लिक को नहीं डाल दिया गया, जो ट्रेंड लोग थे, पुराने रिटायर्ड थे, उनको लिया गया। मतलब आर्मी जो है जब लगाई जाती तो यहाँ की वहां लगाई जाती, ना कि वहां की पब्लिक ज्यादा चाहिए तो उन्हीं को ले जाके। यहाँ पर बाजार नहीं खोला गया, यहाँ पर बाजार नहीं खुला। सरकार कार नहीं बनाती, कार खरीदती, कार बाजार में बेचते हैं, लेकिन सरकार कानून बनाती है सचिवालय में, वहां बाजार नहीं खुले। वहां बाजार के लोगों का कितना भी दिमाग को मौका नहीं है। हाँ, कुछ राय मशवरा किसी मुद्दे पर लिया जा सकता है, अलग बात है। ओके, अब आता है कि जैसे हमने बताया सुधारात्मक प्रयास, तो 1900 देखो बच्चा, जब 80 में इसका आया लोक कल्याण के साथ, ये जरूरी हो गया कि अगर नौकरशाही की अदक्षता को दूर नहीं करेंगे तो जो लोक कल्याण आप लेके चल रहे हैं जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। और दो, उसमें काम किया गया, एक काम किया गया कि प्रशासन के प्रदर्शन में सुधार किया जाए, और दूसरा कहा गया कि सरकार अपनी भूमिका को कम कर ले। 80 आते आते सुधारात्मक प्रयास बढ़ा दिए गए, और देश में हमारे भारत में 90 आते आते ये बहुत तेजी से बढ़ गया। उदारीकरण इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब नौ लोक प्रबंध को एक प्रकार से राज्य के बजाय बाजार की भूमिका बढ़ गई। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से क्या हुआ, जब सरकारों ने न्यूनवाद किया, अपने को मिनिमाइज, जैसे मैं अगर आधा घंटा कम पढ़ाऊंगा तो मेरी आधा घंटा भूमिका बढ़ घट जाएगी, और जो टीचर 1.5 घंटा पढ़ाएंगे उनकी भूमिका बढ़ जाएगी। मैं 1 घंटा के बजाय आधा घंटा कर लूं, और मेरे आधा घंटा में कोई और टीचर आके पढ़ा दे तो उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, मेरी घट जाएगी, बस ऐसे समझिए। तो राज्य अगर, जो स्टेट है, अगर वो अपनी भूमिका घटाएगा तो बाजार की भूमिका बढ़ेगी, क्लियर। और जब बाजार की भूमिका बढ़ेगी तो बाजार हमेशा लाभ उन्मुख होता है। बाजार क्या करेगा, तभी आप सेवा आपको देगा जब आप कीमत देंगे। लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं है, सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के कारण काम करती रहती है, भले उसको लाभ ना हो। तो खतरा कहां पे है, अगर इस देश में, बहुत गौर से सुनना बच्चा, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, गवर्नेंस की तुम धज्जियां उड़ा दोगे कॉपी में, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तुम्हारे हथियार, जैसे राम जी जब लड़ रहे थे ना तो ऐसे तीर निकालते थे, चला देते, तीर यहाँ पीछे से खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ये सब वही तीर है, जहां जरूरत हो इस्तेमाल कर लेना, रखो उसको। तो इसमें क्या किया, अगर बाजार को बढ़ा दिया तो बाजार किसको मदद करेगा, जो पे करेगा। लेकिन अगर सरकार की बढ़त रहेगी तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, भले ही वो ना कमाता, क्योंकि सरकारें लोक कल्याण से प्रेरित होती हैं, अभिप्रेत होती, ठीक। जैसे इस दौर में, कोरोना वायरस के इस दौर में क्या कहा सरकार ने, जो जहां है वहीं रुक जाए, उसे रोटी कपड़ा मिलेगा, मकान भी मिलेगा रहने, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, जो जहां है वहीं रुक जाए। अब जो जहां है वहीं रुक जाए, लाखों मजदूर सड़क पे या पुल के नीचे कहीं यहां वहां रह रहे हैं,
लेकिन उनको भोजन कैसे मिली, ये सब सरकार ने आश्वस्त किया। अब सरकार को धेले भर भी नहीं मिलेगा, भोजन के बदले में कोई 20 रुपये 10 रुपये नहीं देने जा रहा है, ना भोजन कहां से आएगा उनको चिंता है। लेकिन सरकार को इसलिए चिंता है क्योंकि सरकार के ऊपर वेलफेयर का, लोक कल्याण का जो कोटेशन है ना, वो चस्पा है उसके छाती पे। अब बाजार के छाती पे क्या चिपका हुआ है, पैसा दो सेवा लो, यानी लाभ उन्मुख है। तो अगर विकासशील देशों में ये चिंता हुई, थोड़ा सा इसको देखें, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के देशों में, क्योंकि ये विकासशील थर्ड वर्ल्ड थे, इनमें ये चिंता होना लाजमी था कि जहां पर अशिक्षा है, जहां पर गरीबी है, हर हमारे देश में अभी भी हर चौथा व्यक्ति ऑलमोस्ट गरीबी रेखा के नीचे है और हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। और आप जरा कल्पना करिए कि लकड़ा वाला कमेटी की रिपोर्ट 1989 में जब बोला गया था 36% लोग देश में गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वर्ल्ड बैंक बोलता था कि 48%, यानी करीब करीब आधा इंडिया ही गरीबी रेखा के नीचे है। आज जो भी है 20-21% बताया जाता है, ठीक है। और जो एक चौथाई, मान लीजिए हम एक चौथाई बोल रहे होंगे, एक चौथाई यानी कि हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा का और हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। आप जरा सोचिए कि इनके पास न आमदनी है, न इनके पास शिक्षा है, न इनके पास कमाने का स्रोत है, तो ये हर चौथा व्यक्ति किसके आधार पर जीवित है? बाजार में तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर व्यवस्था बाजार के हवाले चली गई और सरकार न्यून बात की ओर चली गई, तो इनको लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, जो सरकार जहां हस्तक्षेप करेगी वही चीज मिलेगी। लेकिन जो विकासात्मक, शिक्षात्मक या अन्य तरीके का, सुरक्षात्मक या चिकित्सा, ये तमाम दृष्टिकोण, इससे तो वंचित रह जाएंगे ना। अभी आपने देखा कोरोना वायरस में ये कहा गया कि 4500 रुपया चेकअप का फीस लगेगा, प्राइवेट में जाइए 4500 रुपया कुछ ऐसा है। अब सवाल यह है कि जो मजदूर है, जिस दो दिहाड़ी मजदूर, उसके पास तो 1 रुपया नहीं है, खाने का तो है नहीं, मान लो वो कोरोना से संक्रमित हो गया तो 4500 रुपये कहां से लाएगा? और आपका मिशन मोड है कि कोरोना मुक्त भारत करना, तो इलाज करना प्राइवेट अगर नहीं करेगा तो सरकार को तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार तो लोक कल्याणकारी है। सरकार ये नहीं देखेगी कि हमारा घाटा हो रहा है या हमारा मुनाफा, सरकार ये देखेगी कि हमारी जनता का ही सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। इसलिए बाजार के हवाले अगर सेवाओं को ज्यादा कर दिया जाए तो गरीबी में, अशिक्षा में फंसा जो देश होता है वहां पर समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन उठता है कि यह विकासशील देशों के, गरीब देशों के, अशिक्षित देशों के लिए इररिलेवेंसिव है, अप्रासंगिक है, ठीक है। और जिस तरीके का संदर्भ है और जिस तरीके का निहित मापदंड है, उसके नजरिए से भी अगर इसको हम देखें तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर ये बात करूं कि मिशन सरकार, सरकार का एक मिशन है क्या, जनता को शिक्षा, जनता को सेवा, जनता को व्यवस्था दे, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब है पर्टिकुलर, आप रिफॉर्म करेंगे और पब्लिक को पहुंचाएंगे। जैसे कहा जाए एक भी बच्चा छूटने ना पाए, पोलियो अभियान वो क्या था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था। पोलियो अभियान क्या था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसमें आपने क्या किया, सरकार अपने को मिनिमाइज कर लिया, उसमें सेवा प्रदाता को लगा दिया। क्यों, देखे होंगे न्यू पब्लिक मैने, सरकार पोलियो का ड्रॉप पिलाने के लिए मिनिमाइज करने का ये मतलब नहीं सरकार हट गई, प्राइमरी स्कूल की टीचर हो, नर्स हो, चौराहे पे हो, कहीं हो, लगाया अपना आदमी, लेकिन एक भी बच्चा छूटने ना पाए। सरकार के इस मिशन में बहुत आहुति दी गई, लोगों ने अपने बच्चों को सड़क पे खड़े रहे और पोलियो ड्रॉप, कार से जा रहे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या हुआ, हमारी अदक्षता हो सकती है लेकिन हम चेतना लाकर, जागरूकता लाकर, होर्डिंग लाकर, प्रचार करके, अमिताभ बच्चन आते थे दो बूंद जिंदगी के बोलते थे, अभी प्रेरित करके किसी तरह से हमने क्या किया, सारी चीजों का सारा आस्पेक्ट में हमने चीजों को क्या किया, एक एक बच्चे तक पहुंचा और भारत 2012 में पोलियो मुक्त देश हो गया।
और आज हम कोरोना वायरस को लेकर क्या कर रहे हैं, एक 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 मरीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, अगर आप एक एक चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरशाही सक्षम हो रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना फॉर्मेशन चेंज किया है, कहीं ना कहीं अगर निजी लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाजारवाद जिसको हम कह रहे हैं निजी प्रशासन की भूमिका इसमें बड़ी है। जब ऐसी चीजें बढ़ती हैं और इस तरीके से बढ़ जाएं कि हर तरीके से जनता का इंटरेस्ट हो, हर चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, जनता इंटरेस्ट देखती हो, तो ऐसा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का सक्सेस रेट एक्सीलेंट कहा जाएगा। अब आते हैं हम लोग की बाजार जो होता है ना, इसमें जैसे बाजार अगर बढ़ता है, ठीक, बाजार बढ़ने की स्थिति में क्या होता है कि राज्य बाजार और प्रशासन, राज्य का मतलब सरकार, सरकार प्रशासन और नागरिक, तीनों इसके प्रभाव में रहते हैं, तीनों इनके प्रभाव में रहेंगे। आज कोरोना वायरस में आप जाके देखिए कितने चेक करने के वायरस है कि नहीं, किट बना रहे हैं, कितने निजी एजेंसी बना रहे हैं, मास्क बनाने के लिए लोग घरों में मास्क बना रहे हैं। सरकार ने तो, जो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपने को मिनिमाइज किया। कैसे मिनिमाइज किया कि मास्क बनाने में हम ही नहीं, आप लोग भी बनाइए, चला गया बाजार में, गमछा लगा लो, ये कर लो, बाजार हम मंगा लेते हैं विदेश से, कुछ कुछ आप बना लीजिए, इतना बड़ा देश कैसे होगा। तो सरकार ने अपने को इस मामले में क्या किया, रिफॉर्मेट कर, और जब रिफॉर्मेट करते हैं किस लिए, मिशन के लिए, तो सरकार क्या हो जाती है, मिशन गवर्नमेंट। कोरोना वायरस को लेकर के मौजूदा सरकार क्या है, मिशन गवर्नमेंट। मिशन गवर्नमेंट इट मींस, मिशन गवर्नमेंट इट मींस क्या हुआ, जब तक अंतिम व्यक्ति को तक नहीं पहुंचेंगे, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, मिशन रुकेगा नहीं। तो बेटा इसमें जो ये होता है क्या कहते हैं, इसमें तो टाइम अभी बहुत ज्यादा है, हेलो 15 मिनट बचा अभी। इसमें अगर हम लोग देखें तो विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन की, और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, बी नौकरशाहीकरण, यानी नौकरशाही में क्या होता है, एलीटपन होता है, और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट की ओर झुक जाती है। इसलिए नौकरशाही एलीट और डी ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू पब्लिक, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, और दिन को कहो रात, क्या समझे। जैसे आप कहिए कि सर ये बता दीजिए हमको, तो हम बोले सुनो, तो जो तुमको पसंद है वो हम बता रहे हैं, नहीं थोड़ा जो परीक्षा को पसंद है वो सुनिए। आता है स्थानीयकरण, उत्प्रेरक चीजें रहेंगी, काम करने का उल्लास रहेगा, एक एक आदमी तक पहुंचने का संदर्भ रहेगा। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगर आलोचनात्मक पक्ष इसका आए तो आप बोलिएगा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब है सरकार को रिफॉर्मेट करना, गवर्नमेंट का मिनिमाइज होना, प्रशासन को दक्ष बनाना। लेकिन विकासशील देशों में गवर्नमेंट अगर बाजार को हवाले कर देती है सेवा को, और अगर अदक्षता नहीं दूर हो पाती है किसी कारण, अलग अदक्षता को दूर करना है, जो इफिशियंसी उसको बढ़ाना ही, तो जिस देश में गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां मुश्किलें हैं, जहां बीमारी है, जहां परेशानी है, वहां न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वैसा काम नहीं कर सकता। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अमेरिका में अच्छा कर सकता है, यूरोपीय देशों में अच्छा कर सकता है, लेकिन एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इसलिए अच्छा नहीं कर सकता है क्योंकि बाजार बिना पैसा लिए सर्विस देता नहीं है, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाजार को बढ़ाने की बात कहता है और राज्य को सिकुड़ने की बात कहता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इफिशियंट की, आप चले जाइए विशाल मेगा मार्ट में, चले जाइए विशाल मेगा मार्ट में, जाइए एसी ओसी लगा है, चीनी आलू कुछ भी खरीदिए, एसी भी खरीदिए, लेकिन जो ठेले पे आलू लेके घूमता है, इसीलिए वॉलमार्ट आपको ध्यान होगा आने नहीं दिया गया, क्योंकि जब ऐसी चीजें आती हैं तो जिन देशों में इस तरीके का प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके के बिखराव हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। गांधी जी भी बड़े उद्योगों की हिमायती नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर बड़े उद्योग आएंगे तो जो ये छोटे छोटे हस्त और
दस्त कलाएं हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। और आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में अंग्रेजों ने अपने उद्योगों से हमारे देश की हस्तकला दस्तकला को खत्म कर दिया। ना वो इंजीनियर है ना वो बीटेक है, कोई कुछ बना लेकर के अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन ये सब खत्म कर दिया। तो जिस देश में शिक्षा का अभाव होगा, जिस देश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा, अब सब लोग एम्स में तो जा सकते हैं लेकिन अपोलो में नहीं जा सकते। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल होंगे तो इलाज ठीक से हो जाएंगे सबका, लेकिन प्राइवेट होंगे तो कई लोग तो जा ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा इलाज होगा। तो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खान पान हो, सर्विस हो, बुनियादी चीजें हो, उस पर अगर सरकार का नियंत्रण बेहतर रहता है तो जनहित में रहेगा। अगर उसको सीधे बाजार के हवाले कर देंगे तो जनता का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और जनता हो सकता है समय रहते उसको पा भी ना सके, क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, समझ रहे ना। तो आलोचना अगर आपको करना है, और इसमें नागरिक भी शामिल हो जाती है, जनता भी मतलब नागरिक भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, और बाजार तो इसमें आता ही है, नागरिक समाज तो आता ही है। इसलिए कहा जाता है नागरिक समाज, जो हमारा सिविल सोसाइटी है। कभी कभी हमारे जब सरकारें बहुत मिनिमाइज हो जाती, ध्यान नहीं देती किसी चीज पर, तो नागरिक समाज शोर करता है। लोकपाल को लेकर के 1968 में, अच्छा 1968 में पार्लियामेंट में पहली आवाज लोकपाल की आई थी। 1966 से 70 के बीच के पहले रिफॉर्म कमीशन में उसकी चर्चा हुई थी। पार्लियामेंट के लगभग दर्जन बार कह सकते हैं माथा टेकते हुए तब जाके 2013 में उस एक्ट बना था। और वो भी एक्ट कब बना था, जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। 40 साल पुराने मामले को आंदोलन का रूप दिया गया तब 2013 में एक एक्ट बना, जिसको अभी आपने देखे होंगे कि जब इलेक्शन अभी होने वाला था अप्रैल में, तो मार्च में लोकपाल की नियुक्ति हुई, पहला लोकपाल की नियुक्ति हुई। वो तब हालांकि उस समय बताते हैं आचार संहिता 10 मार्च को हुई थी, आचार संहिता लग चुकी, तारीख आप देख लीजिएगा। तो इट मींस कि सिविल सोसाइटी आवाज उठाती है तब भी तब सरकारों के कान में जूरी, यानी कि अगर सरकारें जनता के अहित करना हो, मतलब व्यापक पैमाने पर हित करना हो, तो बाजार को सामने खड़ा कर दे। क्योंकि बाजार क्यों घातक होता है लोक कल्याण में, इसलिए क्योंकि बाजार देश की जनता को नागरिक नहीं उपभोक्ता मानती है। और उपभोक्ता का मतलब है कि जो मेरी वस्तुओं का उपयोग उपभोग कर रहा है वो कीमत देगा, लेकिन कीमत तो सबके पास नहीं है ना भाई। जैसे मैंने बोला, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, या अन्य तरीके की गरीबी है, तो कहां से आप उसकी सुविधा दे पाएंगे। लेकिन लेकिन बच्चा, फिर भी मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, फिर भी एक नया आयाम है ये। कभी कभी कहते हैं ना कि जो चीज आज आपके काम नहीं आ रही, आपके काम आज नहीं आ पा रही, वो कल आ सकती, इसलिए बचा के रखिए उसको। तो एक नया आयाम इसलिए है क्योंकि जो जब हम शिक्षित हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, बड़ी इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, बड़े बड़े बाजार आ जाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, बढ़ जाएगी, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, सेवा के बदले लो कीमत, तब अगर सरकार सेवा ना दे पाई, पैसा हमारे पास हो सेवा ना दे पाए, आज N95 मास्क नहीं मिलते, रुमाल लगा लीजिए, कोई ऐसे लोकल कोई मास्क लगा लीजिए, N95 बताते हैं कोरोना के लिए ठीक से मास्क होता, वो नहीं मिल रहा है। पैसा आपके पास है बट मिल नहीं रहा है। तो जब नहीं मिलेगा तो सरकार मिनिमाइज नहीं होगी तो बाजार खुलेगा नहीं, तो कहना पड़ेगा कि बनाओ भाई N95, तब आप पैसा दे के बच पाएंगे ना। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपके पास पैसा तो रहेगा, लेकिन हो सकता है वस्तु ना मिले, तो वस्तु नहीं मिलेगा, अगर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो बाजार को खोलना पड़ेगा, बाजार को लाइसेंस देना। उदारीकरण के बाद जब लाइसेंसिंग प्रणाली में ढील आई तो आप जानते हैं कितनी क्रांतियों का जन्म हुआ। आर्थिक क्रांति आई, निजी क्रांति आई, पश्चिमीकरण आया, आधुनिकीकरण आया, औद्योगिकरण आया, तकनीकीकरण आया, कौन सा करण से अनुकरण नहीं हुआ इस देश में। तो जब अब सवाल यह है कि हमारी परचेजिंग पावर आज है नहीं,
कमजोर अर्थव्यवस्था है, गरीबी है, अशिक्षा है, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर्तमान में उतना रिलेवेंसिप नहीं है, लेकिन भविष्य में यह प्रासंगिक रहेगा जब देश स्ट्रांग। इसलिए अमेरिका, यूरोपीय देशों में ये रिलेवेंसिप है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में ये अभी पूरी तरह रिलेवेंसिप नहीं है, पर नकारा नहीं जा सकता। अब आता है नेक्स्ट फॉर्म में कि उदारीकरण, जैसे हमने उदारीकरण का उदाहरण दिया, उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। जब आपने उदारीकरण से क्या आर्थिक उदारीकरण लाए थे, आप एक बंद अर्थव्यवस्था थे। गौर करना यहां पर गवर्नेंस ने क्या किया, हम बंद अर्थव्यवस्था थे, लिबरलाइजेशन ला करके उसने क्या किया कि जो दरवाजा था वो नहीं खोला, जो दीवार थी उसको हटा दी, पूरी दीवार ही हटा दी। आज दुनिया के लोग हमारे यहां निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं, लेन देन करते हैं। इस लेन देन से, इस आने जाने से, वस्तुओं के आगमन और भेजने से हम एक दूसरे की आवश्यकताओं के समय के साथ पूरक बनते गए, ग्लोबलाइजेशन का वातावरण बना। इससे क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी, इंटरनेशनल एक कंपटीशन आया। क्योंकि जब हम कोई वस्तु मांगेंगे, आगे हम पब्लिक चॉइस अप्रोच में बात करेंगे, बट यहां हिंट दे रहा हूं कि गवर्नेंस ने हमको चॉइस का भी मौका दिया। आप जरा सोचिए कि जब पहली बार इस देश में मारुति बनी थी और लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, और डालडा घी होता था और एक कोलगेट होता था, सब सुने हूं। अगर प्रेसिडेंट या और भी बहुत सारे चीज, बाबा रामदेव बहुत सारे प्रोडक्ट ला दिए, तो जो प्रोडक्ट जो है हमारी, हमारे पास चॉइस आए कि नहीं। जब हम सर्विस लेने के लिए पैसा दे सकते हैं, परचेज करने के लिए पैसा देते हैं, तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। मारुति कार जो 800 मारुति आई, उसके बाद देखिए भारत में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। आपके पास चॉइस है, चाहे जिसकी गाड़ी लीजिए, लेकिन सिर्फ मारुति व्यक्ति तो, और इस गाड़ी ज्यादा वेराइटीज देने से क्या हुआ मालूम है, एक स्पर्धा का विकास हुआ। स्पर्धा जब भी बाजार में आएगा ना, हमेशा उपभोक्ता को सस्ता चीज मिलेगा। सरकार ने क्या किया, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके गवर्नेंस ने क्या किया, अपने को मिनिमाइज तो किया, अपना गवर्नेंस कई मामलों में मिनिमाइज किया, विकास के मामले में, विकेंद्रीकरण के मामले में, सेवा प्रदाता की भूमिका के मामले में बाजार में गई, बाजार खड़ा किया, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं खड़ा किया। वोडाफोन के साथ जियो, जियो एयरटेल, फलाना ढिमका, बीएसएनएल जब को बाजार, बीएसएनएल से मिनिमाइज किया, तभी तो बाजार आया यार। अगर बीएसएनएल पूरी तरह वो लिया होता तो क्यों जियो पियो को मौका मिलता। बीएसएनएल से रीफॉर्मेट करके मिनिमाइज कर लिया, उसके बाद तमाम कंपनियों को लाइसेंस दे दिया। उस लाइसेंस में क्या हुआ, वो कंपनियां सर्विस आप तक ज्यादा पहुंचे, इस चक्कर में सस्ती सर्विस कर दी, तो फायदा किसको हुआ, देश के नागरिकों को। तो सरकार इस स्पर्धा विकसित करके अपने नागरिकों को लाभ देती है, और ज्यादा कंपनियों को एक ही प्रोडक्ट में ला करके स्पर्धा विकसित कर देती है। इस कंपटीशन से क्या होता है, वो उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए वस्तुओं के दाम गिराते हैं, और इधर सरकार बिना हींग लगी न फिटकरी सिर्फ लाइसेंस दिया और उसके पब्लिक इंटरेस्ट पूरा हो गया। आप समझ गए, 3 महीने तक फार्म भरते थे तब लैंडलाइन फोन लगता था, एक दौर जब बीएसएनएल सिम बांटता था तो 2-2 महीना सिम नहीं मिलते थे। आज स्थिति यह है कि जियो का सिम अभी भरवाइए, किसी का सिम अभी भरवाइए, ये किसकी वजह से, गवर्नेंस की वजह से। तो गवर्नेंस ने क्या किया, उदारीकरण ला करके पूरी दुनिया में एक अपनी ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट डेवलप किया, जो चीज हमारे यहां बनता नहीं था वो मंगा लेंगे, वो क्या अमेरिका दवाई मांगा तो हमने दे दिया। और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण जहां चीजें सस्ती मिलेगी वहां से लाएंगे, बाजार इतना खोल देंगे कि लोग कंपटीशन में चीजें सस्ती बनाएंगे। और परिवर्तित प्रौद्योगिकी, आप देखें टेक्नोलॉजी भी बड़ी चेंज हुई। आप तो याद करिए ना, मोबाइल कैसे होते थे, आज कैसे स्लिम ड्रिम बढ़िया से बनते, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। ये सब किसके कारण हुआ, ये किसका परिणाम है मालूम है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैंने जैसे बोला कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भले ही उतना रिलेवेंसिप नहीं है,
लेकिन इररिलेवेंसी भी नहीं है, आगे चल के पूरी तरह रिलेवेंसी होगा। आज हमारी परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो रही है, उदारीकरण का हम इफेक्ट देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का और इनर मार्केट की प्रतिस्पर्धा का फायदा ले रहे हैं और बदलती हुई तकनीक का भी मुनाफा ले रहे हैं। ये किसके कारण ले रहे हैं? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कारण। अगर सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे गवर्नेंस अगर ये मिनिमाइज नहीं करते, जैसा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, रीफॉर्मेट नहीं करते, अपनी इफिशियंसी, अपनी ब्यूरोक्रेसी में सुधार नहीं करते, तो क्या ये सब सर्विसेस हमें सस्ते या सुलभ तरीके से उपलब्ध हो पाते? बता दे रहा हूं आपको, अगर बीएसएनएल का सिम के अलावा कोई सिम नहीं होता तो कई लोगों के घर में एक सिम एक साल में मिल पाया होता। इतना लोग है कहां से बनाते। मैं बहुत साल पहले की बात है कि पीजीएम थे टेलीकम्युनिकेशन में, मैंने उनसे बात चल रही थी तो हमने कहा कि भाई बीएसएनएल को काफी चुनौती मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए चुनौती शहरों में ज्यादा है, गाँव में तो अभी भी हमारा बीएसएनएल ही चलता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हमने कहा लेकिन बीएसएनएल आपका अच्छा चलता नहीं है, बातें कटती है तमाम चीजें, ऐसा मैं बोला। तो उन्होंने कहा कि एक चीज बताएं कि ये जितने भी प्राइवेट एजेंसीज हैं फोन वाले, ये लोग ठीक है सर्विस देने में सक्षम है क्योंकि इनकी पब्लिक अभी कम है, लेकिन बीएसएनएल हमारा अंतिम गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। हम रूखी सूखी ही सही सबको खिलाते हैं, ये भले ही हलवा खिलाते हो लेकिन सब तक नहीं पहुंचते। तो गवर्नेंस का मतलब होता है भू राजनीतिक क्षेत्र पर हर व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, और बाजार का मतलब होता है सिर्फ जो पे करेगा वही फायदा लेगा। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आप समझ चुके हैं, यह सहजकर्ता की भूमिका कहता है सरकार को, क्या कहता है? कहता है तुम पूरी तरह कर्ता मत रहो, सहजकर्ता बन जाओ। अरे लाइसेंस दो छुट्टी करो यार, लाइसेंस दो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, लाइसेंस दो विश्वविद्यालय बनेंगे, लाइसेंस दो मेडिकल कॉलेज बनेंगे, लाइसेंस दे दो तुम ये जो है फोन बिकने लगेंगे, लाइसेंस दे दो सरिया बनने लगेगी, लाइसेंस दे दो ये सब लाइसेंस ही तो बांटो तुम। तुम कर्ता मत बनो, तुम सहजकर्ता बनो। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने क्या सिखाया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने सिखाया कि गवर्नेंस नॉट कर्ता, एग्जीक्यूटर नहीं, सहज कर्ता, सिंप्लीफिकेशन वाला, सिंप्लाइज कर दो, सिंप्लीफाइड कर दो। तो गवर्नेंस क्या किया, लाइसेंस देके जो चीजें कठिन थी भाई बनाना अगर उसकी ड्यूटी है, पब्लिक इतनी है नहीं बन पाएगा, तो उसने क्या किया, सहजकर्ता की भूमिका में आ गया। और इस सहजकर्ता की भूमिका के कारण क्या हुआ भाई, देखो आप अपने घर में हैं, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, लॉकडाउन है, ऑफिस जा नहीं सकते, मैं अपने घर पे, आप अपने घर पे, पढ़ाई हो रही है कि नहीं? और सहजकर्ता की भूमिका में कौन है भाई, ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी से को कनेक्ट किया और आप अपने घर में, अपने घर पढ़ाई शुरू हो गई। मैं करता था क्या, क्लास में जाता था और बच्चे आते थे, हम पढ़ाते थे, लेकिन अब हम बच्चे क्लास में नहीं बुला रहे हैं, आप अपने घर, हम अपने घर, तो ये सहजकर्ता की भूमिका हो गई, बस उपस्थिति आपकी वहां से हो, मेरी यहां से हो, आसान हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि बदली हुई परिवर्तित तकनीक, तकनीक बदल गई। ध्यान रखिएगा इसी देश में हम लोग जब 2002 में कोचिंग शुरू किए थे, तो जब आपका कॉल आता था कि सर तैयारी करनी है और क्या क्या विषय कैसे क्या, तो जल्दी जल्दी बात करते थे क्योंकि उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था। आप फोन कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका तो कट ही रहा, मेरा भी कट रहा है, बाद में आउटगोइंग में भी आपने देखा होगा कि थोड़ा ज्यादा ही पैसा लगता था। और अभी आप फोन लगाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? आप बोलते हैं यार थोड़ी मेरी बैटरी कमजोर है, चलो बाद में बात करें। आप ये नहीं कहते कि आधा घंटा बात कर लिया, मेरा पैसा इतना खत्म हो गया, बाद में बात करेंगे, ये नहीं बोलते, बैटरी खत्म हो गई, टाइम नहीं है, पिताजी बुला रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अब आपको पैसे की चिंता नहीं होती, ये परिवर्तित तकनीक का ही तो मुनाफा है, जो एक एक घंटे बतिया जाते हैं और आर्थिक कोई आपको
जो है गफलत नहीं होती, कोई आर्थिक तनाव नहीं होता है, तो कुल मिला जुला करके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट को रिफॉर्मेट करके न्यूनवाद की बात कही, नौकरशाही की जो अध्यक्ष थी उसमें सुधार की बात कही, और पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा बाजार बढ़ाने की बात कही। लेकिन इससे राज्य और बनाम बाजार की एक स्थिति पैदा होती जो विकासशील देशों में उतने तरीके से बेहतर नहीं माना जा सकता, लेकिन पूरी तरह अप्रासंगिक ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। एनीवेज आज की क्लास एक घंटा आसपास हो रहा है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे ही अगर आप पढ़ेंगे, जैसे एक एक मतलब कहते हैं ना कि जब घर बनता है और मिट्टी फेंक करके फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर पिटाई होती, फिर तो वो 2-3 साल में वो ठीक होती है। जैसे आप चिनाई करते हैं ना, तराई करिए तो 2-4 दिन, जब दूसरे दिन से तराई करते हैं तो मजबूत बनती है। तो थोड़ा थोड़ा चिनाई हो, थोड़ी थोड़ी तराई हो, और ज्यादा से ज्यादा लिखाई हो, तो लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, इसी के आधार पर फटाफट आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर में चलेंगे, और कल के लेक्चर में इसी से जुड़ा पब्लिक चॉइस अप्रोच में चलेंगे और राज्य बनाम बाजार को डेरिवेट कर देंगे। तो प्रशासन को आप समझ चुके होंगे, फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में चलेंगे। जैसे हमने कहा शासन सरकार हो गया, शासन सरकार, फिर प्रशासन, उसके बाद हम आपको ई शासन सुशासन की चर्चा करेंगे। एक दिन और लगेगा, उसके बाद हम गुड गवर्नेंस में चलेंगे। तो जरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, नव लोक प्रबंध प्रशासन के क्षेत्र में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में, क्षेत्र न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रशासन के क्षेत्र में, यानी स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार है, एक महत्वपूर्ण खोज है। प्रशासन के क्षेत्र में जो एनपीएम है ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एक महत्वपूर्ण खोज है। तो हिंदी वाले ऐसा लिख सकते हैं, नव लोक प्रबंध प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज है। इसकी विशेषता आज के दौर में, इसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम में, इंग्लिश वाले थोड़ा इस तरह से समझ के लिख लें, इसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम में न केवल मल्टी डायमेंशन से युक्त है, यानी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, बल्कि यह आलोचनाओं से भी घिरा है, बल्कि यह आलोचनाओं से परे नहीं है। ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि आलोचनाओं से परे नहीं, यानी इसकी आलोचना की जा सकती जितना मैंने किया। इसके रिलीवेंस की चर्चा कीजिए, डिस्कस रिलीवेंस। अब आप जान गए कि रिलीवेंस इसका डेवलप्ड कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री में नहीं है। ओके, मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूं। अब हम क्वेश्चन आंसर